अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा। और हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और उस टॉपिक का नाम है लोकस ऑफ कंट्रोल। तो लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि आपका सेंटर ऑफ कंट्रोल जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, क्या वो आपका बाहर होना चाहिए या फिर आपके अंदर ही होना चाहिए। लोकस ऑफ कंट्रोल होता है दो तरह का, एक होता है आपका एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि आपको जो कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं वो आपके बाहर हैं, ठीक है, और आपने ही उनको इजाज़त दी है कि वो आपको कंट्रोल कर सके। बाहर के फैक्टर्स जैसे कि बाहर की सोसाइटी है या बाहर के लोग हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है। और लोग तो फिर माहिर हैं इस काम में, वो तो बताते हैं कि भाई आपने ये करना है, जी आपने ये वाली डिग्री करनी है तो आपने कामयाब होना है, आपने ये वाला कोर्स करना है तो आपने कामयाब होना है, आपकी यहाँ पर शादी होगी तो आपने कामयाब होना है, आपके इतने बच्चे होंगे तो आपने, और आप जो हैं वो यहाँ पे जॉब आपको मिलेगी तो आपने कामयाब होना है। तो लोग भी ऐसे जो हैं, जो जाहिर सी बात है अभी चल रहे होते हैं रास्ते पे, अभी उनको पता नहीं होता कि उन्होंने चल के कहाँ पे जाना है, और अभी वो चलना स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में जो है वो उनको इस तरह के लोग मिलते हैं जो बहुत सारी उनको गाइडेंस देते हैं। अपनी तरफ से तो गाइड ही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फिर इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो करे क्या। तो ये जो है बात वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी जो है हमारी, वो तो जाहिर सी बात है जब किसी मशवरा मांगोगे तो वो तो देंगे ही आपको, वो अपने हिसाब से देंगे, लेकिन हो सकता है कि जो वो आपको बता रहे हैं करने के लिए वो आपका ही इंटरेस्ट ना हो और आप वो करना ही ना चाह रहे हो, लेकिन सोसाइटी की बातों में आके आप वैसा करते चले जा रहे हो। और आपको ये वही हिसाब हो गया कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि भाई देखो ये ट्रक यहाँ पे जा रहा है और ये बत्ती है रोशनी नजर आ रही है, इसके पीछे जो है वो चलते चले जाओ, और बाद में वो जाकर ट्रक कहीं पर रुकेगा और फिर वो आपको पूछेगा जी मैंने तो आगे जाना है, तो ठीक है जो ट्रक ने तो यहीं पर रुकना है, आपने जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, तो वो वाला हिसाब है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को जो है अपना दिमाग थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। और ये जो सोसाइटी जिस तरह से इंसानों को गाइड कर रही है कि हाँ देखो फ़लाँ ने ये किया है, फ़लाँ ने वो किया तो वो कामयाब है, फ़लाँ का फ़लाँ के साथ ऐसा हुआ था, फ़लाँ के साथ वैसा हुआ था, तो एक तो बात ये है कि सबका अपना अपना माइंड है, दूसरा अपनी अपनी किस्मत है। तो आप ये कभी भी नहीं कह सकते किसी दूसरे को कि ऐसा होगा तो ही आप कामयाब हो गए या ऐसा नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं हो गए, क्योंकि कुछ भी डिफाइन नहीं है, लाइफ जो है वो अनसर्टेन है। तो कभी भी किसी चीज़ पे आप बिल्कुल बिलीव के साथ नहीं कह सकते कि ऐसा हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो, सिवाय इसके कि जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनके, कि अगर आप झूठ बोलोगे तो जाहिर सी बात है झूठ का अंजाम भी बुरा ही होता है, और बुरे का अंजाम बुरा और अच्छे का अंजाम अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप कोशिश ही ना करो और चाहो कि कामयाब हो जाओ, तो ऐसा भी नहीं होता। लेकिन अगर सोसाइटी कहती ना कि ये करने से, ये वाला कोर्स करने के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, ये करने के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते, तो वो बात जो है वो सही नहीं है। और आपको खुद भी जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको जो है वो लोग मशवरे दे रहे हैं, और मशवरे लेना कोई बुरी बात नहीं है, ज़रूर कर लें मशवरा, लेकिन मशवरा लेने के बाद आप खुद पे ज़रा गौर करें कि क्या ये मशवरा जो है वो काबिले अमल है, या जो आप इशू का प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे थे वो आपको हल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है फिर आपको खुद से ही जो है वो सवाल करना पड़ेगा और खुद ही जो है वो उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। दूसरा है जी आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि आप लोगों की बातों में नहीं आते, आप के अपने प्रिंसिपल्स हैं, आपकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, और आप उसी की बेसिस पे फैसले करते हो, सो दैट इज़ गुड। क्योंकि बाहर से अगर आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है तो आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, अपनी लाइक डिसलाइक को देखते हैं और उसी की बेसिस पे फैसला कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान है बी एस केमिस्ट्री का, या फिर बी एड का बहुत ज़्यादा रुझान है, लेकिन आपका उसमें नहीं है और आपका जो है वो कुछ डिफरेंट शौक है, तो उसमें ग्रो करने के आपके चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल द सोसाइटी उस बात को इतना सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में वो एक अनयूजुअल बात हो जाएगी। जैसे कि एक सोसाइटी का ट्रेंड है ये बी एस ऑनर्स कर लो, साथ में बी एड कर लो, टीचर बन जाओ, बहुत अच्छे, क्योंकि सोसाइटी का ट्रेंड ही है और वो आपको गाइड भी वैसे ही करती है। लेकिन हो सकता है आपका जो शौक है वो फोटोग्राफी हो, आपका जो शौक है वो पेंटिंग हो, या कुछ भी और हो, म्यूजिशियन बनना हो, लेकिन ये सोसाइटी इतना सपोर्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो लेकिन आपने सोसाइटी को छोड़कर अपने इंटरेस्ट को देखा और उसी की बेसिस पे आपने फैसले किए, तो आप जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब हो सकते हो। और आपको किसी से इतना गाइडलाइन लेने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या स्कोप चल रहा है, या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की जो इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है और वो सब कुछ कर सकता है, अचीव कर सकता है अपनी लाइफ।
जो भी वो करना चाहते हैं। और इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी चीज़ बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई भी आपको अपने दिमाग से चला नहीं सकता। जैसे कि फिर तो ये अगर तो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, फिर तो आपका रोबोट वाला हिसाब हो गया कि आपका अपना माइंड कोई नहीं है, आप अपना माइंड इस्तेमाल नहीं करते, आप वैसे करते हो, वैसे चलते हो जैसे आपको सोसाइटी चलाती है या वो चलाना चाहती है या वो आपसे करवाना चाहती है। लेकिन अगर आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते हैं, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स अपने इंटरेस्ट की बेसिस पर, अपने प्रिंसिपल्स की बेसिस पर फैसले करते हो, सो दैट्स वेरी गुड। और इसका मतलब है कि आपके पास जो दिमाग है आप उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल दो मशवरा कर लेना चाहिए, लेकिन जब आपको लगे कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को आप छोड़ दें। और फिर आपको क्या करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को फॉलो करना चाहिए, और फिर देखिएगा कि आप कैसे सक्सेसफुल होते हैं। फिर कोई भी आपको जो है वो कामयाब होने से रोक नहीं सकेगा। सो थैंक यू सो मच। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है, और मुझे भी कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे ये जानकर खुशी होगी कि आप क्या करते हैं, ज़्यादा सोसाइटी का सुनते हैं या फिर अपनी जो है वो इंटरेस्ट के बेस पे फैसला करते हैं। सो थैंक यू सो मच।